एचएल टीवी न्यूज। प्रदेश में कांग्रेस द्वारा कुछ जिलों के प्रधान बदले जाने के बाद अब जिला स्तरीय मीटिंगों का दौर शुरू हो गया है, जिसमें न सिर्फ निराश हो चुके वर्करों को उत्साहित करने की कोशिश की जा रही है, बल्कि कांग्रेस के पक्ष में माहौल पैदा करने के लिए भी वर्करों को दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। राजेंद्र राजा को जिला संगरूर कांग्रेस का नया प्रधान बनाए जाने के बाद आज जिला भर के कांग्रेसियों की मीटिंग संगरूर में हुई, जहां बड़ी संख्या में जिले से जुड़े कांग्रेसी नेताओं और वर्करों ने हिस्सा लिया। मीटिंग में वर्करों में दोबारा से जोश भरने की कोशिश की गई और हर हाल में प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए कोशिशें करने का निर्देश वर्करों को दिया गया। फिलहाल कांग्रेस फिर से सत्ता पाने के लिए हाथ पांव जरूर मार रही है, लेकिन देखना होगा कि प्रदेश की जनता कांग्रेस का ये सपना साकार करती है या नहीं। महाराजा साहब अमरिंदर सिंह के किए कामों को लेकर असं पिंड पिंड जा रहे हैं, जागो मुहिम चलाई है, वो जागो मुहिम से भी विचार करने के लिए अज की मीटिंग रखी। अज मैं नवा जिला प्रधान बनया, मैं समझदा बड़ा औखा काम है पार्टी के लिए, अज पार्टी के लिए टाइम भी बड़ा औखा है, पर मैं समझदा कि असी मेहनत करके और वर्करां नाल जोड़ के अज कांग्रेस पार्टी पिंड पिंड है, अज लोड़ है उन्होंने इकट्ठे करने की। मैं पार्टीबाजी तो उपर उठ के, धड़ेबंदी तो उपर उठ के कांग्रेस पार्टी मजबूत करूँगा। देते हैं पंजाब की जनता उड़ीक रही है कि चोणा आन ते दोबारा इस पंजाब च कांग्रेस पार्टी की सरकार बने, ताकि दोबारा पंजाब विकास की लीहां ते पंजाब दे विच जिहड़ा नौजवान है, बेरोज़गार है, गरीब है, उहदा चंगा भविख बन सके, पंजाब की तरक्की हो सके, पंजाब दे लोग दोबारा खुशहाल हो सकन, ते पंजाब दोबारा एक चानण मुनारा बन के इस हिंदुस्तान का एक सूबा बन सके। इस चीज़ की उड़ीक पंजाब दे लोग कर रहे हैं, इस चीज़ की उड़ीक इस हिंदुस्तान दे लोग कर रहे हैं। संगरूर से हलचल टीवी के लिए राजेश कोहली की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं हलचल टीवी न्यूज़।